एप्पल से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके क्वेश्चंस तो हम सभी को ऑलरेडी पता थे बट आंसर्स नहीं। फैक्ट नंबर वन, व्हाई आईफोन्स डज नॉट हैव अ ग्लोइंग लोगो लाइक मैकबुक। वेल, एप्पल पहले के अच्छे दिनों में अपने मैकबुक में ग्लो करने वाला लोगो इस्तेमाल करता था, जिसे नॉट जस्ट इन हॉलीवुड बट बॉलीवुड मूवीज में भी काफी ज्यादा शोकेस किया गया है। बट एप्पल ने कभी भी इस तरह के ग्लोइंग लोगो के आइडिया को अपने फोन्स में इम्प्लीमेंट नहीं किया। बट वाई? वेल, ऐसा इसलिए था बिकॉज एप्पल ने अपने लैपटॉप और फोन्स में लोगो के लिए कंप्लीट डिफरेंट डिजाइंस को इस्तेमाल किया है, जिसके साथ ही एप्पल ने मैकबुक में ग्लोइंग लोगो का फीचर प्रोवाइड करने के लिए अपने लैपटॉप कवर में लोगो के लिए इस तरह का कटआउट बनाया था। एंड लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली लाइट के कारण ही लैपटॉप के कवर में बनाया गया ऐसा स्पेस एप्पल के लोगो को ग्लोइंग इफेक्ट प्रोवाइड करता था, जिसके लिए एप्पल के लोगों को किसी भी तरह के एक्सटर्नल लाइट सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट यदि एप्पल ऐसा ग्लोइंग लोगो अपने आईफोन में लगाना चाहता तो एप्पल को अपने आईफोन के लोगों को लाइट प्रोवाइड करने के लिए किसी तरह का सेकेंडरी लाइट सोर्स इस्तेमाल करना पड़ता, जिसके लिए एट द एंड आईफोन का छोटा साइज ऐसे फीचर को डेवलप करने में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। बिकॉज आईफोन के बैक कवर पर ग्लोइंग लोगो प्लस लोगो को लाइट प्रोवाइड करने वाले एक्सटर्नल सोर्स की जगह पर ऑलरेडी आईफोन का स्टोरेज, बैटरी, सीपीयू चिप जैसे हार्डवेयर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे ग्लोइंग लोगो के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल था। बट ये तो थी एक प्रॉब्लम जिसकी वजह से एप्पल ने अपनी आईफोन में ग्लोइंग लोगो को नहीं लगाया। बट इस तरह का फीचर आईफोन में मिसिंग होने का अनदर रीज़न है ऐसे ग्लो करने वाले लोगों का आईफोन की बैटरी पर पड़ने वाला स्ट्रेस, जिसके साथ आता है इस तरह के हार्डवेयर को लगाने के लिए एक्स्ट्रा वायरिंग, एक्स्ट्रा वाटरप्रूफिंग मटेरियल का कॉस्ट, जो एंड में किसी भी स्मार्टफोन गैजेट के प्राइस को अपने आप इंक्रीज कर देता है। इसलिए ताकि आईफोन के प्राइसेस को इंक्रीज ना करना पड़े और ना ही फोन्स की बैटरी को लेस पावरफुल बनाया जाए, एप्पल ने इस तरह के फीचर को ओनली अपने मैकबुक के लिए लिमिटेड रखा। बट टाइम के साथ एप्पल ने अपने लैपटॉप में इम्प्रूव होते डिजाइंस में भी इस तरह के ग्लो करने वाले लोगों को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझा, जिसके मेन रीज़न को एप्पल मैकबुक की शुरुआत से इग्नोर करता आया था। इस टॉपिक की डिटेल्स को हमने अपने चैनल के मोस्ट व्यूड वीडियो में डिस्कस किया है, वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फैक्ट नंबर टू, व्हाई डू एप्पल प्रोडक्ट्स कम विद स्टिकर्स। चाहे हम एप्पल का कोई प्रोडक्ट वेदर आईफोन, मैकबुक या फिर आईमैक परचेज क्यों ना करें, एप्पल ऑलवेज इन सभी प्रोडक्ट्स में अपने स्टिकर्स को इंक्लूड करना याद रखता है, जिसकी वजह से मेरे जैसे बहुत से लोगों ने एक बार तो ये ज़रूर सोचा होगा कि आखिर एप्पल का ऐसा करने के पीछे का क्या रीज़न है। बिकॉज मैंने तो आज तक इन स्टिकर्स को एप्पल की पैकेजिंग के अलावा कहीं भी यूज़ होते नहीं देखा। वेल, एप्पल का फैन बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इवन एप्पल के फैंस किसी और ब्रांड के फैंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं, एंड ऐसे लॉयल्टी एप्पल के फैंस एप्पल के लिए 1984 से ही शो करते आए हैं, जिस ईयर एप्पल ने ओरिजिनल मैकिंटॉश को पब्लिक से इंट्रोड्यूस किया। 90s के समय जब एप्पल बैंकरप्ट होने के काफ़ी करीब था, उस समय एप्पल फैंस एप्पल स्टोर में बने मैक सेक्शन में जाकर अपना टाइम स्पेंड करते थे, ताकि वो एप्पल स्टोर में आए अदर कस्टमर्स को मैकिंटॉश परचेज करने के लिए कन्विंस कर सकें। इस तरह की ब्रांड लॉयल्टी आज तक ओनली एप्पल एंड एप्पल के फैंस के बीच में देखने को मिली है, एंड इस तरह की डेडिकेटेड फॉलोइंग को देख एप्पल ने अपने फैन बेस को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वेरियस एफर्ट्स ट्राई किए, जिन एफर्ट्स में से एप्पल स्टिकर्स वन ऑफ देम है, जिसे आज भी एप्पल अपने लेटेस्ट गैजेट्स में इंक्लूड करना याद रखता है। ऑल्सो, क्या आपको पता है कि एप्पल अपने आईपैड में किसी भी तरह का कैलकुलेटर ऐप प्रोवाइड नहीं करता? ऐसे ही सिमिलर टॉपिक को हमने इस वीडियो के एप्पल फैक्ट्स पार्ट 2 में कवर किया है, वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फैक्ट नंबर 3, व्हाई एप्पल स्लोज डाउन ओल्डर आईफोन्स। सो एवरी ईयर एप्पल अपने न्यू प्रोडक्ट्स को एप्पल इवेंट में अनाउंस करता है, जिसमें ऐसे फ्यूचर प्रोडक्ट्स की स्पीड, परफॉर्मेंस एंड एडवांस फीचर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, कि कैसे एप्पल के स्मार्ट इंजीनियर्स ने एप्पल के एग्जिस्टिंग गैजेट्स को न्यू लाइफ प्रोवाइड की है। बट 2017 में एप्पल को नॉट ओनली पूरे वर्ल्ड में मौजूद एप्पल फैंस बट सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली,
जिसके अकॉर्डिंग एप्पल जानबूझकर और सबसे छिपाकर अपने ओल्ड आईफोन मॉडल्स में ऐसे अपडेट देता था जिससे ओल्ड आईफोन्स की स्पीड डिक्रीज होने लगती थी, ताकि उनके ओल्ड आईफोन मॉडल्स अपनी ओरिजिनल परफॉर्मेंस पर यूज ना किए जा सकें, जिसका मेन रीजन था आईफोन्स में यूज किए गए लिथियम आयन बैटरीज। एंड जब काफी ज्यादा आईफोन यूजर्स को सडनली अपने आईफोन की बैटरी से रिलेटेड काफी इश्यूज देखने को मिले, जिसकी वजह से काफी आईफोन यूजर्स को उनके फोन से पहले की तरह परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी, किसी भी आईफोन को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटेशन पावर की जरूरत होती है, जिसमें जितना हैवी टास्क होगा उतना ही पावर आईफोन के प्रोसेसर को टास्क कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती है, जिसे पावर मिलती है आईफोन की बैटरी से। बट मेन प्रॉब्लम आती है जब यूजर्स का आईफोन काफी ज्यादा पुराना होता है, जिसकी वजह से ओल्डर आईफोन्स को टास्क कंप्लीट करने के लिए एफिशिएंट पावर नहीं मिलती, एंड ऐसे पुराने आईफोन्स के प्रोसेसर को कम बैटरी पावर में भी हैवी टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, जो ऑलरेडी पुराने आईफोन्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल थे। बट एप्पल ऐसे इश्यूज के बाद भी ऐसे फीचर्स वाला iOS अपडेट रिलीज करता था जो लेटेस्ट आईफोन्स के लिए परफॉर्म करना तो ऑब्वियसली ईजी होता था, बट ओल्डर आईफोन्स के लिए नहीं। एंड न्यू iOS अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ओल्ड आईफोन्स को यूज़ करना यूजर्स के लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता था, जिस दौरान यूजर्स के आईफोन की बैटरी पहले से ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाती थी। एंड ज़्यादा समय से ऐसा होने के कारण आईफोन्स की बैटरी की एफिशिएंसी 80% से भी बिलो चली जाती थी, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा होने पर ओल्ड इवन न्यू आईफोन्स ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते थे। इस तरह की प्रॉब्लम एंड्रॉयड फोन्स में काफ़ी कॉमन है, जिसका मेन कॉज आईफोन की बैटरी के इशू से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। इस तरह के इशू सभी रिचार्जेबल बैटरीज के इस्तेमाल से चलने वाले डिवाइसेस में देखने को मिलता है, एंड ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का डिसीजन ओनली मैन्युफैक्चरर्स के पास होता है कि वो कैसे ऐसी परेशानियों को अपने गैजेट्स में सॉल्व करें, जिसके लिए कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपने गैजेट्स में ऐसे इशू होने पर अपने डिवाइसेस में अनएक्सपेक्टेड शटडाउन का फीचर प्रोवाइड करते हैं। वहीं अदर मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि एप्पल ऐसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि यदि कोई आईफोन iOS 10.2 या फिर लेटेस्ट iOS वर्जन्स को अपने फोन्स में इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे iOS वर्जन्स के अकॉर्डिंग आईफोन्स को सभी तरह के टास्क कंप्लीट करने की पावर प्रोवाइड करने के लिए एप्पल अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स की स्पीड को स्लो कर देता है, एंड इस तरह से ओल्ड आईफोन्स की परफॉर्मेंस काफ़ी कम ज़रूर हो जाती है, बट बैटरी की एफिशिएंसी 80% से बिलो नहीं जाती, जिसकी वजह से ओल्ड आईफोन्स के प्रोसेसर्स आईफोन्स की बैटरी से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाते और आईफोन्स को अनएक्सपेक्टेड शटडाउन होने से रोक देते हैं। इस तरह के अपडेट में छिपी इंफॉर्मेशन को एप्पल ने 2017 में पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि क्यों एप्पल इंटेंशनली पुराने आईफोन्स की स्पीड को स्लो कर रहा था, जिसके बाद एप्पल ने अपने न्यू iOS अपडेट्स में इस तरह का फीचर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से यूजर्स को दो ऑप्शन दिए जाते थे, दैट इज या तो यूजर्स अपने ओल्ड आईफोन्स की बैटरी हेल्थ को इग्नोर करके अपने फोन की स्पीड को पहले की तरह रखें, भले ही इस तरह से आईफोन को इस्तेमाल करने से उनका आईफोन कभी भी शट डाउन क्यों ना हो जाए, और या फिर वो इस तरह के ऑप्शन को ऑन करके ऐसे शटडाउन को होने ना दें भले ही उनका आईफोन थोड़ी स्लो परफॉर्मेंस ही प्रोवाइड क्यों ना करे। आपका क्या ओपिनियन है ऐसे हिडन आईफोन के अपडेट के बारे में? यदि एप्पल इस तरह के ऑप्शन को अपने गैजेट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करता एंड अपने यूजर्स को इसके बारे में अवेयर बनाता तो क्या एप्पल को ऐसे इशू के लिए क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती? शेयर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऐसा तभी हो पाता जब एप्पल ने ऐसे अपडेट्स को पहले छिपाने का डिसीजन नहीं लिया होता। आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।